तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पूरी दुनिया रियल टाइम ट्रैवलर ढूंढ रही है, लेकिन सिम्पसन्स का जो डायरेक्टर है वही टाइम ट्रैवलर है। सिम्पसन्स का क्रिएटर का नाम है मैक ग्रोनी और कहते वो एक रियल टाइम ट्रैवलर है, क्योंकि उसने ऐसे एविडेंस दे दिए सिम्पसन्स टीवी शो में जिसे देख के लोग घबरा गए। उसने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया, उसने हम चीजें क्या पहनने वाले, एप्पल वॉच, आईफोन, ये सब प्रिडिक्ट करके रखा है। यही नहीं, लेकिन जब 1998 में उसने एक एपिसोड एयर किया था, उसके अंदर एक इक्वेशन लिखा था जिसको किसी को भी नहीं मालूम था वो इक्वेशन क्या है। थोड़े टाइम बाद जब साइंटिस्ट लोग ढूंढने लगे कि हिग्स बोसन पार्टिकल गॉड पार्टिकल कैसा बन सकता है जिसकी वजह से हमारी दुनिया तरक्की कर सकती है या पूरी खत्म हो जाएगी, लोग ने 2012 में वो हिग्स बोसन पार्टिकल का इक्वेशन निकाले, और जब निकाले तो सिम्पसन्स का 1998 का इक्वेशन सिमिलर, मतलब सेम टू सेम था। कैसा सिम्पसन्स को मालूम था कि हिग्स बोसन पार्टिकल यही है, जब गवर्नमेंट और साइंटिस्ट लोग ने 2012 में ढूंढे।